फ्रेंड्स, ये सहजन का अचार है, इसको हम साल भर तक आराम से स्टोर कर सकते हैं ना। ये हमारे शरीर के लिए इतना फायदेमंद है, ये इतनी सारी बीमारियों का रामबाण इलाज है ना। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ना, वो वीडियो आप लोग देखते ही नहीं हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखा करिए, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए एक बहुत ही बड़ी औषधि है। तो इसको बनाकर स्टोर कीजिए और साल भर बीमारियों से दूर रहिए, ठीक है। नमस्कार, मैं प्रिया, प्रिया मसाला किचन में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं अपनी एक और नई खास रेसिपी आप सबके लिए। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं अपनी नई रेसिपी। आज की जो रेसिपी है ना, आज हम बना रहे हैं आप सब के लिए। भी आप देख ही रहे होंगे कि सामने क्या रखा है। तो ये सहजन की फलियां रखी है, इसको ड्रम स्टिक भी कहते हैं, ठीक है। तो आज हम इस सहजन की फलियों का बनाएंगे बहुत ही सुपर अचार। एक बार बना लेंगे तो साल भर तक आप आराम से इसको खा सकते हैं। आपको पता है कि ये कितनी फ़ायदेमंद है ना, मैंने इसकी भी सब्जी भी बनाई थी। आप सबके लिए इसका अचार भी बनाऊंगी कि जो इतना फ़ायदेमंद ये जो सहजन है ना, तो इसका अगर हम अचार बना के स्टोर कर लेंगे, तो अगर हम इसे थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए करते हैं शुरुआत अपने अचार बनाने। आधा किलो सहजन की फलियाँ ली हैं, देखिए ये मैंने बिल्कुल पतली वाली ली है ना। ये जो पतली वाली होती है, इसका अचार बहुत ही सुपर बनता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से आगे से हेड से काट दे रहे हैं और पीछे टेल से काट दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको आगे से इस तरह से थोड़ा सा काट देंगे और थोड़ा सा पीछे काट देंगे, ठीक है। ये बिल्कुल पतली फलियाँ हैं ना, तो जो सहजन की पतली फलियाँ होती हैं, उसका अचार बहुत ही सुपर बनता है। और इसको हम इस तरह से देखिए पीसेस में कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपको ना मिल पाए तो आप मोटी भी फलियों का अचार बना सकते हैं। ये देखिए, बस इसी तरह से हम सारी अपनी सहजन की फलियों को कट कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, मैं भी आपको और कट करके दिखा रही हूँ। इस तरह से हम इसको कट कर ले रहे हैं। ये देखिए, जो साइज़ रखेंगे ना, वो हम इतने बड़े रखेंगे। इसी तरह से हम सारी सहजन की फलियों को पहले काट लेंगे। देखिए, हमने इसको कट कर लिया है इस तरह से। इस तरह से आप लोग भी इसको कट कर लीजिएगा, ठीक है। गैस पे हमने एक कढ़ाई चढ़ा रखी है, गैस को करेंगे ऑन। और फ्रेंड्स, उसमें 1 लीटर हम पानी डाल दे रहे हैं, ठीक है। पानी को हम अच्छे से हो जाने देंगे बॉयल। पानी हमारा हल्का सा बॉयल होने लगा है, उसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल दे रहे हैं, ठीक है। और पानी को अच्छे से होने देंगे बॉयल। ये देखिए, सहजन की फलियां हमारी कट चुकी हैं, मगर कटने से पहले मैंने इसको धो लिया था और धोने के बाद इसको अच्छे से सुखा लिया था, ठीक है। फिर मैंने इसको पीसेस में कट किया है। ये देखिए, पानी हमारा बॉयल हो चुका है, तो अब हम उसमें ये सहजन की फलियों को डाल दे रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम इस तरह से चला देंगे, ठीक है। इसको हमें ज़्यादा नहीं बॉयल करना है, हमको सिर्फ 1 से 2 उबाला आने के लिए सिर्फ इसको बॉईल करना है, ठीक है। 1 से 2 उबाला बस आएगा और हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और सहजन की फलियों को निकाल लेंगे, क्योंकि सहजन में हल्की हल्की सी करचाहट होती है ना, कड़वापन होता है। अगर हम बॉईल कर लेंगे तो वो करचाहट और वो जो कड़वापन होता है वो चला जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने सहजन की सब्ज़ी बनाई है, वो बहुत अच्छी है, उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप सहजन के अचार को देख रहे हैं, तो सहजन की आप सब्जी को भी देखिएगा, बहुत ही सुपर, बहुत ही औसम है और हमारे लिए बहुत ही हेल्दी है। तो उसको ज़रूर देखिएगा और अचार भी ज़रूर बना के स्टोर करिएगा। फ्रेंड्स, सहजन की फलियों में उबाला आ चुका है, ये देखिए, ठीक है। तो अब इस फलियों को हम छन्ने से निकाल ले रहे हैं। ये देखिए, जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो हम इस तरह से कढ़ाई में कर देंगे, तो छन्ने से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। इसको हम एक प्लेट में निकाल ले रहे हैं और गैस को करेंगे, सहजन को हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये हमने सहजन की सारी फलियों को निकाल लिया है एक प्लेट में, और एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है, ठीक है। उस पर हम इसको 1/2 घंटे के लिए इस तरह से सुखा लेंगे, ठीक है। चाहे तो आप फैन की हवा में सुखा लीजिए, या अगर धूप निकली हो तो धूप में सुखा लीजिए। 1/2 घंटे बाद हम स्टार्ट करेंगे अचार का प्रोसेस। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये कढ़ाई में जो पानी है ना, वो सहजन हमने इसमें बॉईल किया था, तो ये पानी बहुत हेल्दी है, ठीक है।
शुगर के लिए, बीपी के लिए, हमारे अर्थराइटिस पेन के लिए, गठिया के दर्द के लिए, है ना, और भी बहुत सारे रोगों के लिए ये जो पानी है और ये जो सहजन की फलियां है ना, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस पानी को सब लोग, जितने भी घर में लोग हों, सबको एक एक ग्लास ये पानी ज़रूर पिलाइएगा, ठीक है, बड़ों को, बुज़ुर्गों को और हम सब के लिए। बहुत ही हेल्दी है, जितने दर्द है ना उन सब दर्दों के लिए ये रामबाण इलाज है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है ना, तो इसको ज़रूर यूज़ करिएगा। ये देखिए सहजन की फलियों का पानी सारा सूख चुका है, पानी को इस तरह से हम बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, ठीक है। आप चाहे इसको धूप में रख दीजिएगा या इसको पंखे के नीचे। सहजन की फलियों का जो पानी था ना वो बिल्कुल सूख चुका है और सहजन की फलियां हमारी ड्राई हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं जो हमारे सहजन के अचार में पड़ेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून मैंने ले रखा है ज़ीरा, 4 मैंने सूखी लाल मिर्च ले रखी है, 1 टेबल स्पून मैंने ले रखी है सौंफ, 1 टेबल स्पून मैंने ले रखी है राई, 1 टेबल स्पून मैंने ले रखी है मेथी, 2 टेबल स्पून मैंने ले रखी है खड़ी धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने ले रखी है पीली सरसों और 1 टेबल स्पून मैंने ले रखी है कलौंजी, ठीक है, इसको मगरेल भी कहते हैं। गैस को करेंगे ऑन, गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई को होने देंगे गरम। जब हमारी कढ़ाई हल्की सी गरम हो जाएगी तो अपने सारे मसालों को हम रोस्ट करेंगे। कढ़ाई हो गई है गरम, उसमें हम ये अपने सारे खड़े मसाले डाल दे रहे हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा और इसको हम स्पेटला से चला ले रहे हैं। फ्रेंड्स इसको चलाते रहिएगा, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखिएगा। अभी हम इसको रोस्ट कर रहे हैं, इसमें से जब खुशबू आने लग जाएगी ना तो हमारे मसाले रोस्ट हो जाएंगे। बस इसको चलाते रहिएगा और ज़्यादा मत इसको रोस्ट करिएगा, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। ये मसाले हमारे हो चुके हैं, खुशबू भी आ रही है और मसाले भी हमारे तड़क रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको एक प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं। देखिए हमने अपना मसाला निकाल लिया है, अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए होने देंगे ठंडा, फिर इसको मिक्सी के जार में हम दरदरा सा पीस लेंगे, ठीक है। मैंने 2 हरे मिर्चें लिए हैं और 1 काट लहसुन की ली है, ठीक है, इसको हम फ्लेवर देने के लिए खलबट्टे में कूट लेंगे, ठीक है। लहसुन और हरे मिर्चे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा हमारे सहजन के अचार में, तो ठीक है इसको खलबट्टे में हम दरदरा सा कूट लेंगे। ये हमने लहसुन और हरे मिर्चे को इस तरह से दरदरा सा कर लिया है, ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से दरदरा सा कर लीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अचार का मसाला पीस लिया है मिक्सी में, इस तरह से आप लोग भी पीस लीजिएगा, ये दरदरा सा है, ठीक है। गैस पे हमने देखिए एक भगोना रख दिया है, गैस को करेंगे ऑन और ये देखिए ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम है सरसों का ऑयल, ठीक है, ये मस्टर्ड ऑयल है, इसको हम गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स ये लगभग 200 ग्राम है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, इसको हम खूब अच्छे से गरम कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो मस्टर्ड ऑयल है सरसों का तेल वो गरम हो चुका है और उसमें से धुआं भी उठने लगा है, जो करचाहट है ना वो गरम करने से चली जाएगी और हमारे जो अचार की लाइफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो गैस को कर दिया है हमने ऑफ और अपने सरसों के तेल को हम करेंगे पहले ठंडा। ये देखिए सरसों का तेल हमारा ठंडा हो चुका है, अब हमने एक परात ले ली है, इसमें हम सहजन की फलियों को डाल रहे हैं। फ्रेंड 1 टीस्पून हम ले रहे हैं हींग, 1/2 टीस्पून हम ले रहे हैं हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स 1 टीस्पून हम ले रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स 1 टीस्पून ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, और इन सबको हम अभी डाल दे रहे हैं और हल्का सा कर दे रहे हैं मिक्स। 1 टीस्पून हम ले रहे हैं खटाई, ठीक है, और उसको भी अच्छे से कर देंगे मिक्स। ये जो हमने मसाला रोस्ट किया था ना खड़ा मसाला, वो भी हम इस टाइम पर इसमें ऐड कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स ये जो लहसुन और हरी मिर्च को हमने दरदरा कूटा था ना वो भी इस टाइम पर हम ऐड कर दे रहे हैं और इन सब को हम अच्छे से कर लेंगे फ्रेंड्स मिक्स, ठीक है। अब ये जो हमारा सरसों का तेल है ये ठंडा हो चुका है, इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए
फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर डालेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए नमक लिया है हमने, इसको हम करीबन 3 टेबल स्पून डालेंगे। ठीक है, नमक आप स्वाद अनुसार अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, अभी हम इसमें कुछ और भी मिक्स करेंगे और इसी तरह से इसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स। फ्रेंड्स अचार है ना, तो उसमें हम नमक तो थोड़ा ज़्यादा डालेंगे ही ना, जिससे हमारा अचार बढ़िया रहे। और आपने ये देखा था कि हमने ये जो सहजन की जो फलियाँ थी उनको हमने बॉईल करने के बाद एक कपड़े पे सुखा लिया था और उसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल दिया था। इससे हमारे अचार की जो लाइफ है ना वो ज़्यादा हो जाएगी, और जो हमने इसमें गरम तेल मस्टर्ड ऑयल डाला है उससे भी हमारे अचार की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। और अभी एक चीज़ मैं और डालूंगी, उससे हमारा अचार सुपर भी हो जाएगा और ज़बरदस्त भी हो जाएगा। अचार में हमारा मसाला पड़ चुका है, देख रहे हैं अचार कितना सुपर दिख रहा है ना हमारा। एक कटोरी करीबन ये 100 ग्राम ये मैंने विनेगर लिया है। ठीक है, इसको हम इसमें अचार में ऐड कर रहे हैं। बस अब आपका अचार सालों साल चलेगा, और आनंद उठाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो इस तरह से सहजन के अचार को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। देखिए नमक वगैरह थोड़ा आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, बहुत लोग कम खाते हैं बहुत लोग ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा नमक बढ़ा लीजिएगा, अगर कम हो ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ही सब गल जाएगा। वैसे मैंने बिल्कुल परफेक्ट ही रेशियो आपको बताया है। ठीक है, अब हम इसको आप सब के लिए निकाल रहे हैं और बताते हैं कि हम इसको कैसे स्टोर करेंगे। ये देखिए हमारा सहजन का अचार बन गया है ना, बहुत ही सुपर और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत ही हेल्दी है, बहुत सारी बीमारियों में रामबाण है। तो सहजन के अचार को ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको सहजन का अचार कैसा लगा। इसको हम साल भर तक स्टोर कर सकते हैं आराम से। फ्रेंड्स ये देखिए कांच की बर्नी है। ठीक है, अगर आपके पास पुरानी हो तो आप उसको धो के साफ़ करके सुखा लीजिएगा, और नई बर्नी ले रहे हैं तो उसको भी अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से अचार को हम साल भर के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम 4-5 दिन धूप दिखाएंगे सहजन के अचार को। ठीक है, उसके बाद हम इसको इस तरह से बर्नी में भर लेंगे, और ये अचार हमारा साल भर तक वैसे ही रहेगा, स्वाद में भी और टेस्ट में भी। ठीक है, तो इस तरह से अचार को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही बीमारियों का रामबाण इलाज है, और आपको साल भर तक आराम से खाने को मिलेगा। ऐसे तो अभी ये आ रहा है, 10 दिन हफ्ता भर और रहेगा और फिर ये चला जाएगा। ठीक है, सहजन की ये जो फलियां हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त अचार है हमारा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है ना तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसको रख दीजिएगा। ये ऐसे मैं बता रही हूँ कि 2-4 दिन में ये गल जाएगा, है ना। वैसे ये आधे से ज़्यादा गले ही हुआ है क्योंकि हमने इसको बॉयल किया है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिएगा, वो वैसे ही गल जाएगा। तो उसको आराम से आप बर्नी में भर दीजिएगा और साल भर तक आराम से मज़ा उठाइएगा और इसका आनंद लीजिएगा और सारी बीमारियों को दूर भगाइएगा। आप हेल्दी रहें, आपका परिवार हेल्दी रहे, और मैं भी हेल्दी रहूं। चलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि औरों का भी फ़ायदा हो। ठीक है, रखिए अपना ध्यान, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।